Hello everyone, this is Ali Rahman Khan and make sure to download the Hum TV app on your phones. Aashi! Aashi! Aashi, ये देखो ये मुझसे कैसी कैसी डिमांड्स कर रही है। ये मेरे साथ साथ हम सबको फंसवाना चाहती है। प्लीज तुम ही समझाओ इसे। ये क्या समझाएंगी मुझे? ये तो खुद चोर है आपकी तरह। आंसू हौसले को काम कर देते हैं और जो काम तुम करने जा रही हो उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए फरियाद। मामला मेरी बेटी का है आशी। इमोशंस बीच में आ जाते हैं यार। मामला बेटी का नहीं, बेटी के फ्यूचर का है। इमोशंस को कंट्रोल करो। क्या निम्बा कभी मुझे माफ कर पाएगी? ऑफ कोर्स माफ करेगी। अगर तुम्हें माफ नहीं करेगी तो बड़े होके खुद को भी माफ नहीं कर पाएगी। आशी मैं जिंदगी के अजीब से दोराहे पर आके खड़ी हो गई। कुछ भी समझ नहीं आ रहा मुझे। प्लीज मुझे गाइड करो। कम ऑन फरियाद, तुम कुछ ही दिनों में सब कुछ भूल जाओगी क्योंकि तुम्हारे पास खुशहाली, तरक्की, सब कुछ होगा। फैसला तुम्हारे हाथों में है कि तुम इमोशंस के तले दब के खुद बिकती हो या पैसे से इस दुनिया को खरीदती। हमें खुदा की जात से मायूस नहीं होना चाहिए अनमोल। आज नहीं तो कल इंशाल्लाह हमारा शामिल जरूर मिले। ये आप मुझे कहाँ ले आए? ये तो कब्रिस्तान है। दिल बहुत घबरा रहा था अनमोल, इसीलिए फरहान के पास चला। आशी, बस थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज रह गई हैं। अब इसके बाद ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। वेरी गुड। वक्त आसानी से नहीं बदलता, इसे बदलने की कोशिश करनी पड़ती है। और तुमने ये प्रूव कर दिया है कि तुम अपना और दूसरों का वक्त बदल सकती हो। आई हैव डन इट आशी, बस ये सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आशी,
अगर मेरी बेटी मेरे साथ ना हुई ना तो come on फरियाल, जब दौलत साथ हो तो सब साथ होते हैं। तुमने वो पेरेंट्स नहीं देखे जिनके पास पैसे ना हो और उनकी औलाद उन्हें छोड़ के चली जाती है। आशी, मुझे निम्रा की याद आ रही है, कैसी है वो? उसकी तुम फिक्र मत करो, समझो वो मेरी बेटियों जैसी है। आशी, आर यू श्योर ना कि वो मान जाएगी, वो मेरा साथ देने के लिए तैयार हो जाएगी ना? बस थोड़ा सा गाइड करना पड़ेगा। आशी, तुम तो जानती हो आजान बहुत ज्यादा जिद कर रहे हैं निम्रा से बात करने के लिए। बस एक बार तुम हॉस्टल की प्रिंसिपल बनकर आजान से बात कर लो। क्या क्या काम लोगी मुझसे? अच्छा चलो, तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगी, तुम मेरी बात करवा देना। अच्छा सुनो, हमने जो बिजनेस स्टार्ट किया है उसका कैपिटल तो दो, जॉइंट अकाउंट में जमा करवा देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, उसकी फिक्र मत करो, वो मैं कर दूंगी। चलो ठीक है, यू टेक योर टाइम। ठीक है, खुदा हाफिज़। विंडो देख रही हो ना, यहाँ से भागना बहुत मुश्किल है। मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। हम 10th फ्लोर पे हैं। यहाँ से नीचे गिरोगी तो पता भी नहीं चलेगा, बस कीमा बन जाएगा और चूहे खाएंगे मजे लेके। मुझे आपकी किसी भी बात का जवाब नहीं देना है। ठीक है, मत दो जवाब, नाश्ता तो करो। मुझे कुछ भी नहीं खाना, मैंने कहा है ना आपसे। मत खाओ, मैं तो खाऊंगी। हेलो फरियाल, तुम्हारी बेटी बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट कर रही है। क्या उसने नाश्ता अपने हाथ से किया है? ऑफ कोर्स, हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और फ्यूचर डिस्कस कर रहे हैं। आशी, मेरी बात करवाना जरा निम्रा से। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हेलो मम्मी, आप बहुत बुरी हैं, आप मुझे यहाँ से लेकर जाएं। बेटा, मैं आपको यहाँ से ले जाऊंगी, आप मेरी बेटी हो, मैं क्यों नहीं लेकर जाऊंगी आपको यहाँ से। आशी, तुम तो कह रही थी मान गई है। अरे आधी मान गई है, मान जाएगी सुलता, मैं इतना प्यार जो कर रही हूँ उसे। आशी, मेरी बेटी तुम्हारे हवाले है, इसका और इसके खाने पीने का प्लीज ख्याल रखना। अच्छा चलो, अब हमें नाश्ता करना तो, शी इज रियली हैप्पी। बाय। भाभी जब से बीमार हुई हैं बहुत डिस्टर्ब रहने लगी हैं, चिड़चिड़ी सी हो गई हैं। शायद उन्हें हमारी शादी करवा कर। हाँ तो खुद ही कराई थी ना उसने शादी, अब इनसिक्योर क्यों हो रही है? And she's fine now, टेस्ट सारे क्लियर आए उसके। इतने बड़े ट्रॉमा से गुजरने के बाद कोई भी डिस्टर्ब हो जाता है। पता नहीं यार, अजीब सी हो गई है, वो अजीब हरकतें करने लग गई है। मैं कब से कह रहा हूँ मेरी निम्रा से बात करा, लेकिन वो है कि करा ही नहीं रही। और उसे निम्रा को भेजने की जरूरत क्या थी मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा। मैं तो सीरियसली सोच रहा हूँ कि मैं खुद ही जाऊँ हॉस्टल और जाके निम्रा से मिलूँ। हाँ, आपको मिलने जाना चाहिए, मैं भी निम्रा से मिलने के लिए बहुत बेचैन हूँ। ठीक कह रही हो तुम, वैसे भी फरियाल तो आजकल हर वक्त ऑफिस में बिजी होती है, सुबह सुबह जाती है और फिर रात को आती है, और जब भी मैं उससे बात करता हूँ तो कहती कि नींद आ रही है। आप मिलने तो जाएंगे ना, तब सब क्लियर हो ही जाएगा। मिलने तो मैं जाऊंगा। हाँ
अनमोल में हॉस्टल में उस वक्त मैंने यहाँ पे निम्रा की पिक्चर्स दिखाई हैं, निम्रा का नाम बताया है, वो कह रहे हैं निम्रा नाम की कोई बच्ची है ही नहीं यहाँ पे। अजान आप सही जगह तो पहुंचे हैं ना? मैं बिल्कुल सही जगह हूँ। अनमोल मैं बहुत परेशान हूँ यार, निम्रा नहीं है यहाँ पे। परेशान होने की जरूरत नहीं है, भाभी को कॉल करें, शायद समझने में कोई गलती हो गई हो। अनमोल मैं 6 बार कॉल कर चुका हूँ उसे, वो फोन ही नहीं उठा रही। उसे सेक्रेटरी कह रहे कि वो बिजी है, बात नहीं कर सकती अभी। मैं खुद कॉल करती हूँ भाभी को। अरे नहीं नहीं, तुम प्लीज रहने दो, मैं खुद आके बात करूंगा उसे। मैं बस शाम की फ्लाइट लेकर आ रहा हूँ, फिर मैं आके उसे बात करता हूँ, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज़। अभी तक जाग रहे हैं अजान? बल्कि ना सिर्फ जाग रहे हैं, मुझे गौर से घूर भी रहे हैं। कोई जरूरी बात तो नहीं करनी आपको मुझसे? मेरी बेटी कहाँ है फरियाल? अब क्या मैं आपको लिख कर दूं कि वो कहाँ है? हाँ लिख कर दो मुझे, लिख कर दो मुझे कि मेरी बेटी कहाँ है, क्योंकि मुझे तुम पे एतबार नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो मुझसे। अब इसमें यकीनी का तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती अजान। हाँ अलबत्ता आप डॉक्टर से जरूर इलाज करवाएं। फरियाल तुम बीमार थी इसलिए मैं तुम्हारे साथ सख्ती से पेश नहीं आया, लेकिन अब मामला मेरी बेटी का, इसलिए शराफत से मुझे बता दो कि मेरी बेटी कहाँ पर है। आपको क्या लगता है कि आपकी बेटी को मैंने अगवा कर लिया? फरियाल तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ कितनी सख्ती से पेश आ सकता हूँ, तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ मैं। हॉस्टल गया था मैं आज और मुझे मालूम हुआ है कि निम्रा वहां पर नहीं है, इसलिए आखिरी बार तुमसे पूछ रहा हूँ कि मुझे बताओ मेरी बेटी कहाँ पर है। क्या हॉस्टल गए थे आप? हसन आर यू मैड? आप मुझसे पूछ तो सकते थे ना? आसान मैं आपको बताने ही वाली थी कि आशी निम्रा को हॉस्टल से लेकर अपने लाहौर वाले घर में चली गई है। उस हॉस्टल की मैनेजमेंट के बहुत सारे इश्यूज थे और निम्रा वहां पर खुश नहीं थी। एक दो दिन में आशी उसे यहां लेकर आ जाएगी, व्हाट्स द बिग डील? एक सेकंड। हेलो। हाँ आशी, ये बात करो। किससे बात करूं? आजान से बात करो। आजान इस वक्त परेशान हो रहे हैं कि निम्रा को मैंने पता नहीं कहाँ भेज दिया है। इन्हें ये लग रहा है कि निम्रा पता नहीं कहाँ है, जबकि इनको मैं बता चुकी हूँ कि तुम उसे हॉस्टल से लेकर अपने घर जा चुकी हो। तुम बात करो। ओके, समझ गई, गड़बड़ हो गई है, करवाओ बात, मैं संभालती हूँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अरे आप तो बहुत एतबार करने वाले इंसान थे। आशी, I'm really sorry, लेकिन वो क्या है ना, मैंने बड़े दिनों से निम्रा को देखा नहीं। आप मेरी प्लीज बात करा दें उसे जरा काइंडली, प्लीज। अभी करा दूं। निम्रा, निम्रा, लगता है वो सो गई है, मैं उठाती हूँ। नहीं नहीं, आप सोने दें उसे, जब जागेगी तो मेरी बात करा दीजिए उसे। आशी तुम निम्रा को अभी उठाओ और आजान से बात करवाओ। अरे नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। उसको डिस्टर्ब ना करें आप, मैं बाद में कर लूंगा बात। कोई बात नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, जब वो उठ जाए तो आजान की बात लाजमी करवा देना, बहुत परेशान हो रहे हैं। ओके बाय। सॉरी यार, इतने दिनों से उसे देखा नहीं, बात नहीं हुई ना उससे, इसीलिए बस। देखो तुम्हें पता है ना, बाप जरा बेटियों के मामले में सेंसिटिव होते हैं, कोई ऐसा मामला हो जाए तो अपने हवास खो देते हैं। इतना होश भी नहीं रहा आपको कि सामने कौन खड़ा है? चल यार, सॉरी बोल रहा हूँ।
पापा, मम्मी ने दादू को भी मारा था और मुझे आंटी के साथ उनके फ्लैट में भिजवा दिया है। मम्मी ने कहा था कि मैंने ही दादू को मारा था और उन्होंने मर्डर भी किया है। अब मुझे बहुत डर लग रहा है।